जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हाइगन्स आईपीस के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि हाइगन नेत्रिका की सहायता से हम जो विपतन है स्फेरिकल और क्रोमेटिकल जो उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। आज दूसरी नेत्रिका रेम्सडेन आईपीस के बारे में हम बात करेंगे। रेम्सडेन नेत्रिका या रेम्सडेन आईपीस क्या होता है, इसकी रचना क्या होती है, इसकी कार्यविधि क्या होती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। पहला, रचना या कंस्ट्रक्शन। रेम्सडेन नेत्रिका की रचना विपतन कर्म करते हुए सुगमतापूर्वक परिणात्मक मापन की दृष्टि से की गई है। रेम्सडेन नेत्रिका में समान फोकस दूरी के दो समतल लेंस L1 होते हैं जिनके बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी की 2/3 के बराबर होती है तथा गोलीय पृष्ठ एक दूसरे की तरफ होते हैं, जैसा कि इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। इनका प्लेन जो कॉन्वेक्स साइड दोनों की एक तरफ है और इन दोनों के लेंसों के बीच की दूरी 2/3 है। इस तरह से इसको मैनेज करके हम देखेंगे कि किस तरह से गोलीय विपतन और वर्ण विपतन इसमें कम होता है। गोलीय विपतन, गोलीय विपतन के न्यून होने के प्रतिबंध के अनुसार दोनों लेंसों के मध्य की दूरी डी उनके फोकस दूरियों के अंतर के बराबर होनी चाहिए, अर्थात D=F1-F2=F1-F=0। परंतु ये नेत्रिका इस प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करती है, इसलिए इस नेत्रिका में गोलीय विपतन की मात्रा कुछ अधिक होती है। नेत्रिका पर आपतित किरणें तिर्यक होने के कारण गोलीय विपतन कम करने के लिए परिणामी विचलन नेत्रिका के दोनों लेंसों के चारों तलों पर लगभग बराबर वितरित कर दिया जाता है। यह कार्य लेंसों के गोलीय पृष्ठों को एक दूसरे की ओर रखकर संपन्न होता है। दूसरा होता है हमारे पास वर्ण व्युत्पन्न या क्रोमेटिक एबरेशन। वर्ण व्युत्पन्न के नगण्य होने के प्रतिबंध के अनुसार लेंस संयोजन में लेंसों के बीच दूरी डी उनकी फोकस दूरियों के माध्य के बराबर होनी चाहिए, अर्थात D=F1+F2/2 ≤ 2F/2 ≤ F। रेम्सडेन नेत्रिका में D=2/3F होता है, अतः यह प्रतिबंध भी पूर्ण तरह संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए रेम्सडेन नेत्रिका में वर्ण विपतन भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। इसकी कार्यप्रणाली देखेंगे हम। कार्यप्रणाली या वर्किंग। दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस L द्वारा बना प्रतिबिंब I1 इस नेत्रिका के सम्मुख बनता है। प्रतिबिंब के सिद्धांत के अनुसार यह प्रतिबिंब I1 नेत्रिका के अभिक्षेत्र लेंस L1 के लिए बिंब का कार्य करता है, अतः O1 I1 = U। अब नेत्रिका की दूरी को इस प्रकार समंजित करते हैं कि I1 का प्रतिबिंब I2 नेत्रिका के लेंस L2 के फोकस पर बने, ताकि अंतिम प्रतिबिंब लेंस L2 के द्वारा अनंत पर दिखाई दे, अर्थात O1 I2 = V = F - 2F/3 = F/3। हमें पता है लेंस सूत्र होता है 1/V - 1/U = 1/F। इस सूत्र को काम में लेने पे -3/F - 1/U = 1/F और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/U = -1/F - 3/F और D = -4/F और U = -F/4। अतः नेत्रिका द्वारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाने के लिए दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस L के द्वारा बनने वाले वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति नेत्रिका के सम्मुख F/4 दूरी पर होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे तुल्य फोकस दूरी या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होती है। यदि रेम्सडेन नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी कैपिटल F से हम प्रदर्शित करते हैं तो लेंस सूत्र से हम लिख सकते हैं 1/F = 1/F1+1/F2 - D/F1/F2। F1=F2=F हमें पता है और D हमने पहले जो दो लेंसों के बीच की दूरी रखी थी वो 2F/3 रखी थी। ये सारी वैल्यूज ऊपर वाले फॉर्मूले में रखने पर 1/F = 1/F+1/F - 2F/3F × F = 4/3F और F की वैल्यू आ जाएगी 3F/4। ये कहलाएगी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी। फिर हम कहेंगे कि धनात्मक नेत्रिका क्या होती है। जैसा कि हमने हाइगन नेत्रिका के केस में देखा था कि हाइगन नेत्रिका ऋणात्मक नेत्रिका होती है। इस नेत्रिका में प्रकाशीय यंत्र द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, इसलिए इसे हम धनात्मक नेत्रिका भी कह सकते हैं। फिर है क्रॉस तार की स्थिति। जैसा कि हमने देखा हाइगन्स आईपीस में कोई क्रॉस तार नहीं होता है, जबकि रेम्सडेन आईपीस में
हमें जो मेज़रमेंट के लिए क्रॉसता की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसलिए प्रैक्टिकली हम हमेशा रेमजन आई के पीस को ही प्रयोगों में काम में लेते हैं। यदि क्रॉस तौर को वास्तविक प्रतिबिंब आई वन की स्थिति में अर्थात नेत्रिका के अभिलेखन लेंस के सामने एफ बाई फोर दूरी पर लगा दें तो प्रतिबिंब आई वन तथा क्रॉस तार का आवर्धन नेत्रिका के लेंसों के द्वारा समान रूप से होगा और दोनों के अंतिम प्रतिबिंब भी एक ही तल में बनेंगे। अतः रेमजन नेत्रिका में क्रॉस तार प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार यह नेत्रिका परिणामात्मक मापन के लिए उपयुक्त होती है। मुख्य बिंदुओं की स्थिति या पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स। प्रथम मुख्य बिंदु P1 की प्रथम लेंस L1 से दूरी α1 FD2 3F4 2F3 1F2। इसी तरह द्वितीय मुख्य बिंदु P2 की द्वितीय फोकस द्वितीय लेंस L2 से दूरी α2 −FD/F1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ गया −F/2। प्रथम फोकस बिंदु F1 की P1 से दूरी हमें पता है P1F1−F −3F/4। सिमिलरली सेकंड से भी यही होगी क्योंकि हमने इसको डिस्टेंस देते हुए। द्वितीय फोकस दूरी F2 की P2 से दूरी P2F2F3F/4 के बराबर होगी। चिन्ह परिपथ के अनुसार इन बिंदुओं को हम किस तरह से दिखा सकते हैं वो हमने यहाँ पे इस वाले चित्र में हमने बताया। हमें ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्टेंसेस लिए हैं इसके हिसाब से दिखाई है। इसमें भी निर्णति बिंदु N1 व N2 क्रमशः मुख्य बिंदुओं P1 व P2 पर संपातित होते हैं क्योंकि नेत्रिका के दोनों तरफ माध्यम वायु ही है। दोनों तरफ समान माध्यम होने के कारण P1 P2 और N1 N2 कोइंसाइड हो जाते हैं।